हेलो स्टूडेंट्स, नाउ प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ चैप्टर नंबर 9 एंड नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस सम क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. दैट इज फर्स्ट अ क्वेश्चन इज गिवन. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाई फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. मीन्स एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे जो टाइटली स्ट्रेच है टू द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर. एक वर्टिकल टावर से टाइटली स्ट्रेच्ड है. मींस एक वर्टिकल टावर है, दैट इज ए बी वर्टिकल टावर ले लिया. इसको मैंने पोल ले लिया, इसकी हाइट क्या ले ली मैंने एच. इसके टॉप से नीचे ग्राउंड पर एक रोप स्ट्रेच की गई टाइटली. उस रोप की जो लेंथ है वो 20 मीटर लेंथ गिवन है. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द पोल विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. इफ द एंगल मेड इफ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी है. इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अगर ये रोप जो ग्राउंड के साथ एंगल मेड करिए वो कितना गिवन है आपको 30 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन को पढ़ के करेक्टली देन डायग्राम. अगर आपसे डायग्राम सही बनेगा तो ही आगे ये जाके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम कैसे बनाना है. डायग्राम बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन केयरफुली रीड आउट करना बहुत कंपलसरी है. तो इसलिए एक एक वर्ड रीड आउट करके फिर हम डायग्राम बनाएंगे. तो डायग्राम एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ के फिर बनाया गया है. ए बी एक पोल है, इस पोल के ए पे एक ए से लेकर सी तक एक लॉन्ग वर्टिकल ग्राउंड से लेकर रोप स्ट्रेच की गई है. ठीक है, ए से लेकर सी तक इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है. ए बी एक पोल दे रखा है और जो रोप और ग्राउंड के बीच में एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है 30 डिग्री. ये आपको गिवन है. नाउ डायग्राम बन गया, तो डायग्राम में देखें रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाओ. रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाए तो अपन इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, अपन ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं. तो कंसेप्ट ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद ट्रिग्नोमेट्री लगानी है. तो रेक्टेंगल ट्राइंगल है, रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाला इस हाइट हाइपोटेनियस. तो ए सी हाइपोटेनियस है और जो एंगल गिवन है 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है दैट इज हाइट. दैट इज ए बी तो हाइट है, दैट इज परपेंडिकुलर. तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया, ए सी आपके पास हाइपोटेनियस एंड बी सी क्या हो गया बेस. ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर एंड बेस. इससे पहले वाले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस. जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर और जो एक रिमेनिंग साइड बची ऑटोमेटिकली होगी बेस. तो डायग्राम बन गया, डायग्राम क्लियर हो गया. डायग्राम क्लियर होने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस पोल. इस पोल की हाइट फाइंड करनी है. तो आप डायग्राम में ही देखेंगे पोल की हाइट फाइंड करनी है और क्या गिवन है हमें हाइपोटेनियस गिवन है. दैट इज परपेंडिकुलर जो फाइंड करना है और हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का क्या रिलेशन होता है बस यही देखना. परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या रिलेशन होता है, मैंने इससे पहले भी आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले इसके अंदर जो पी अपॉन बी जो पी अपॉन एच जो फर्स्ट रेशियो होता है वो होता है साइन, सेकंड रेशियो होता है कॉस और थर्ड रेशियो होता है टेन. तो यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले आप ये ऑब्जर्व कर लोगे कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस आपको गिवन है. तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रिलेशन क्या है, साइन थीटा. तो मैं क्या लगाऊंगा इसके अंदर साइन थीटा, साइन थीटा वाला रेशियो लगाएंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा दैट इज थीटा है 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी ए बी, डायग्राम में देखिए परपेंडिकुलर रखा है ए बी दैट इज हाइट. एंड एच क्या है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस भी गिवन है डायग्राम में 20. तो आपने बस डायग्राम में से देख के वैल्यू पुट कर दी. एंड साइन 30 डिग्री टेबल में से जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी सम स्पेसिफिक एंगल की वहां से साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. तो 1/2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी एंड हाइपोटेनियस 20. वैल्यू पुट कर दी डायग्राम में से देख के. नाउ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से 20 इज मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई 1 इज 20. तो 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी हाइट है पोल की, तो एच भी लिख सकते हैं या ए बी से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ए बी को मैंने हाइट ले लिया. तो एच अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20/2 इज इक्वल्स टू हाइट. सॉल्व करेंगे 2 की टेबल में 20 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम. तो हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई आपके पास 10 मीटर. सो
हाइट ऑफ अ पोल इज 10 मीटर। सो इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम बनाना। अगर आपने डायग्राम करेक्टली बनाया है तो 70% जो क्वेश्चन है वो तो यहीं सॉल्व हो जाता है डायग्राम से। बस डायग्राम में आपको देखना है कि दे क्या रखा है और फाइंड क्या करना है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। भाई दे रखा था अपन को हाइपोटेन्यूस 20 मीटर एंड परपेंडिकुलर जो है आपको फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस के लिए रिलेशन होता है साइन थीटा, इसलिए आपने इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगा दिया, राइट एंगल ट्राइंगल में। उसको फिर सॉल्व कर लिया तो हाइट कितनी आ गई आपके पास 10 मीटर। सो हाइट ऑफ अ पोल इज 10 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।